श्री अरविंद के व्यक्तित्व में योगी, कवि और दार्शनिक तीनों का समन्वय था। उस महान आत्मा को दूसरों की अभिव्यक्ति के माध्यम से जानना या व्यक्त करना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस फिल्म में हमने उनके कारावास जीवन के अनुभवों का वास्तविक सारांश उनकी आत्मवाक के साथ नाट्य रूपांतरण के रूप में दर्शाया है। हमने उन्हीं तथ्यों को फिल्म में शामिल किया है जिनका उल्लेख श्री अरविंद ने स्वयं किया है, अर्थात उनके द्वारा स्वयं के कारावास जीवन का जो कुछ वृत्तांत किया गया है उसे वैसा ही रखा गया है। उस काल तथा घटनाक्रम को जीवंत करने का हमारा प्रयास मौलिक एवं तर्कसंगत है। जब मैं अज्ञान में सोया पड़ा था तो मैं एक ऐसे ध्यान कक्ष में पहुंचा जो साधु संतों से भरा था। मुझे उनकी संगति उबाऊ लगी और स्थान एक बंदी गृह प्रतीत हुआ। जब मैं जगा तो भगवान मुझे एक बंदी गृह में ले गए और उसे ध्यान मंदिर और अपने मिलन स्थल में बदल दिया। कंबल, थाली, कटोरी रखकर जेलर के चले जाने पर मैं जेल का दृश्य देखने लगा। लाल बाजार की हवालात की अपेक्षा ये निर्जन कारावास अधिक अच्छा लगा। वहां उस विशाल कमरे का अकेलापन और भी गहरा था। यहां छोटे से कमरे की दीवारें मानो बंध रूप में पासा ब्रह्ममय हो आलिंगन में भर लेने को तैयार थीं। 9 फीट लंबा और 5-6 फीट चौड़ा, इसमें कोई खिड़की नहीं। सामने लोहे का एक बड़ा सा दरवाजा, ये पिंजरा ही बना मेरा बसेरा। कमरे के बाहर था एक छोटा सा पथरीला आंगन और ईंट की ऊंची दीवार। सामने था लकड़ी का दरवाजा जो अक्सर खुला रहता था। ऐसे 6 कमरे पास पास थे। इन्हें कहा जाता था 6 डिक्री। डिक्री का मतलब है विशेष दंड का कमरा। हम जिस अपराध में पकड़े गए थे वो भी सामान्य खून, चोरी, डकैती नहीं था, था देश के लिए विदेशी सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र, जिस पर कईयों को अपराधी ठहराने में सबूत का बिल्कुल अभाव था। पुलिस का संदेह ही था उनके पकड़े जाने का एकमात्र कारण। मैं वंदे मातरम के दफ्तर में बैठा था तभी मुजफ्फरपुर का एक टेलीग्राम मिला। पढ़कर मालूम हुआ कि मुजफ्फरपुर में बम फटा है जिसमें 2 मेमों की मृत्यु हो गई है। उसी दिन के अंग्रेजी अखबार एम्पायर में यह भी पढ़ा कि पुलिस कमिश्नर ने कहा है, हम जानते हैं इस हत्याकांड में किन किन का हाथ है और वे जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। तब मैं ये नहीं जानता था कि मैं ही था इस संदेह का मुख्य निशाना, पुलिस की नजर में प्रधान हत्यारा, युवक दल का मंत्रदाता और नेता। यहां मुझमें और देश के साधारण अशिक्षित लोगों में कुछ भेद नहीं रखा गया, ये देख थोड़ा खुश हुआ। और फिर इस व्यवस्था ने तो मातृभक्ति के प्रेम भाव में आहुति का काम किया। मैंने इसे योग शिक्षा और द्वंद्व जय का अनोखा उपकरण और अनुकूल अवस्था माना। आंगन की शोभा बढ़ाती 1 थाली और 1 कटोरा अच्छी तरह मांजे जाने पर ये दोनों चांदी की तरह इस कदर चमकते थे मानो इसमें प्राण जुड़ जाते। और अपनी चमक में ब्रिटिश राजतंत्र की उपमा पर राजभक्त के निर्मल आनंद का अनुभव करता था। थाली उस आनंद में इतनी उत्फुल्ल हो उठती थी कि उंगली का जरा सा जोर पड़ते ही वो घुमक्कड़ अरब दरवेशों की तरह चक्कर काटने लगती।
ऐसे में एक हाथ से खाना और एक हाथ से थाली पकड़े रहने के सिवा कोई दूसरा चारा न रहता। थाली की अपेक्षा कटोरा था और भी अधिक प्रिय और उपकारी, मानो जीता जागता ब्रिटिश सिविलियन। कटोरे की जात नहीं, विचार नहीं, उसी कटोरे से पानी ले शौच किया, उसी कटोरे से मुंह धोया, स्नान किया, कुछ देर बाद उसी में भोजन करना पड़ा। उसी कटोरे में दाल या तरकारी डाली गई, उसी कटोरे से पानी पिया और कुल्ला किया। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सके, वो केवल अंग्रेजों की जेल में ही मिलने संभव है। कटोरा मेरे लिए ये सब सांसारिक उपकार कर योग साधना में भी सहायक बना, घृणा परित्याग कराने का ऐसा सहायक और उपदेशक कहां पाऊंगा। निर्जन कारावास विशेष दंड में गिना जाता है और उस दंड का मूल सिद्धांत है, जितना संभव हो मनुष्य संसर्ग और खुले आकाश से दूर रखना। बाहर शौच की व्यवस्था करने से तो यह सिद्धांत भंग होता, अतः कोठरी में ही तारकोल पुती टोकरी दी जाती थी। सवेरे शाम मेहतर साफ कर जाता था, किंतु असमय पाखाना जाने से घंटों दुर्गंध भोग कर प्रायश्चित करना पड़ता था। नहाने की व्यवस्था से पीने के पानी की व्यवस्था और भी निराली थी। तपती गर्मी में प्यास बुझाने का उपाय था टीन की बाल्टी का गर्म पानी। ऊपर से मेरे छोटे से कमरे में हवा का प्रवेश लगभग निषिद्ध था। कमरा जलती भट्टी सा हो उठता था। इस भट्टी में पशुओं की तरह पिंजरे में रख पशुओं जैसा दाना पानी, धूप, वर्षा व ठंड सहन कराने से मेरे मन में तब विरक्त की भावना नहीं जगी। गर्मी के कारण जब बिस्तर पर रहा नहीं जाता, तब जमीन पर लौट जाता था। माता वसुंधरा की शीतल गोद के स्पर्श का क्या सुख है, ये तभी जाना। आंगन का दरवाजा खुला होने पर बाहर जेल की खुली जगह और कैदियों का आना जाना देख सकता था। 6 डिग्री के 6 कमरों के सामने जो संतरी घूमता रहता, उसका चेहरा और आहट बहुत बार परिचित बंधु के चलने फिरने की तरह प्रिय लगता। कमरे के बगल से गौशाला के कैदी सामने से गौवें चराने ले जाया करते। गौवें और गोपाल थे प्रतिदिन के प्रिय दृश्य। इस निर्जन कारावास में अद्भुत प्रेम की शिक्षा पाई। यहां आने से पहले मनुष्यों के साथ मेरा व्यक्तिगत लगाव काफी सीमित था और पशु पक्षियों से तो बिल्कुल ही नहीं। कारावास में रहकर समझ सका कि जीवों के प्रति भी मनुष्यों का स्नेह उमड़ सकता है। गौ, पक्षी, चींटी तक को देख मन आनंदित हो सकता है। इस तरह कारावास का पहला दिन शांति से कट गया। सभी कुछ था नया, इससे मन में स्फूर्ति जगी। उस रात जल्दी ही सो गया, किंतु निश्चिंत होकर सोना निर्जन कारावास का नियम नहीं। उससे कैदियों में भोग विलासता की भावनाएं जग सकती हैं, इसलिए जितनी बार पहरा बदलता उतनी बार कैदी को हाँक मारकर उठाया जाता था। अगले दिन सवेरे 4:15 बजे जेल की घंटी बजी। कैदियों को जगाने के लिए ये पहली घंटी थी। कुछ मिनट बाद दूसरी बजती। इसके बाद कैदी कतार में बाहर आ हाथ मुंह धो लपसी खा दिन भर की मशक्कत में लग जाते। लपसी अर्थात मांड सहित उबला भात, इसे केवल भूख से सताए जाने पर ही खाया जा सकता है। उस दिन मुझसे खाया नहीं गया, केवल एक नजर देख लिया।
दोपहर को भोजन परोसा जाता था। इंसान का खाना इतना बेस्वाद और बेतुका हो सकता है ये पहले नहीं जानता था। साग की ये मलिन गाढ़ी कृष्ण मूर्ति देखकर ही डर गया। शाम का खाना होता 5:30 बजे। उसके बाद दरवाजा खुलना मना था। भगवत भक्त शांत रात्रि की गोद में ईश्वर के साथ होने का अनुभव कर प्रार्थना या ध्यान में जुट जाते। रात को इन अभागे पतित प्राणियों का ये अलीपुर जेल घोर शांति में डूब जाता। यहां अपने देश के कैदी, अपने देश के किसान, लुहार, कुम्हार आदि के साथ समान आहार, समान रहन सहन, समान कष्ट, समान मान मर्यादा पाकर मैंने जाना कि सर्व शरीरवासी नारायण ने इस साम्यवाद, इस एकता, इस देशव्यापी भाईचारे से सहमत हो मानो मेरे जीवन व्रत पर अपनी मुहर लगा दी हो। इस निर्जन कारावास में समय बिताने के लिए पुस्तक या दूसरी कोई वस्तु के बिना कुछ दिन रहना पड़ा। बाद में जेल सुपरिंटेंडेंट इमर्सन साहब की अनुमति से मैंने कर्मचारियों से कलम, दवात और चिट्ठी के लिए जेल के छपे कागज मंगवा अपने पूजनीय मौसा संजीवनी के सुप्रसिद्ध संपादक को धोती, कुर्ता और पढ़ने की किताबों में गीता और उपनिषद भेजने का अनुरोध किया। इन दो पुस्तकों को मुझ तक पहुंचने में 2-4 दिन लगे। तब तक निर्जन कारावास का महत्व समझने का भरपूर अवसर मिला। यह भी जाना कि ऐसे कारावास में अडिग और तेज बुद्धि भी नाश हो सकती है और इंसान पागल तक हो सकता है, किंतु इसी अवस्था में भगवान की असीम कृपा और उनके समीप होने का कितना दुर्लभ अवसर है ये भी तभी जाना। अनेक दिशाओं में भागने वाले चंचल मन को एकाग्र चित्त कर ध्यान लगाना किसी अनभ्यस्त मनुष्य के लिए सहज नहीं। इसीलिए किसी तरह 1-2 घंटे मन को एकाग्र चित्त कर पाता, फिर मन विद्रोही हो उठता, देह भी सुन्न पड़ जाती। पहले अलग अलग विचारों में व्यस्त रहता था, बाद में उस मौन चिंतन की विषय शून्य असहनीय अकर्मण्यता से मन धीरे धीरे चिंतन शक्ति रहित होने लगा। ऐसी अवस्था होने लगी मानो हजारों धुंधले विचार मन के सभी दरवाजों के चक्कर काट रही हों और 2-1 प्रवेश करने में समर्थ भी हो जाए तो मन के सन्नाटे से भयभीत हो चुपचाप भाग खड़े होते। इस अनिश्चित अवस्था से अत्यधिक मानसिक कष्ट पाने लगा। प्रकृति की शोभा देखकर दुखित मन को सांत्वना मिले, इसी आशा से बाहर की ओर निहारा, किंतु उसी एकमात्र वृक्ष, नीलाकाश के सीमित टुकड़े और जेल के उसी नीरस दृश्य से मनुष्य का ऐसी अवस्था प्राप्त मन भला कितनी देर सांत्वना पा सकता है। दीवारों की ओर ताका, जेल की कोठरी की उस निर्जीव सफेद दीवार को देख मन जैसे और भी अधिक लाचार हो केवल बंधे होने की सजा ही पा सका और मस्तिष्क के पिंजरे में छटपटाने लगा। फिर से ध्यान करने बैठा, किसी भी तरह ध्यान न कर सका और उस तीव्र विफल इच्छा से मन और भी अधिक खिन्न और सुस्त होने लगा। चारों ओर नजर दौड़ाई, अंततः जमीन पर कुछ बड़ी बड़ी काली चींटियों को बिल के पास घूमते फिरते देखा। उनकी गतिविधि और क्रियाकलाप को देखते हुए समय कट जाता, फिर भी पूरा दिन बिताने का कोई उपाय नहीं जुटता था। मन को समझाया, जबरदस्ती विचारों को खींच लाया,
किंतु दिन प्रतिदिन मन विद्रोही होने लगा, हाहाकार करने लगा। समय मानो मन पर असहनीय भार बन पीड़ा पहुंचा रहा हो। मन उस भार से हांफने तक की शक्ति नहीं पा रहा था। मानो स्वप्न में शत्रु द्वारा आक्रांत गला घोटने से व्यक्ति मरा जा रहा हो और हाथ पैर होते हुए भी हिलने डुलने की शक्ति ना हो। ये अवस्था देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। सच है कि मुझे सुस्त और अचेत पड़े रहना कभी नहीं रुचा। फिर भी कितनी ही बार अकेला रह चिंतन मनन में समय गुजारा है। घर में रहते अकेला रहना अलग बात है और दूसरे की इच्छा से कारावास में अकेला रहना बिल्कुल दूसरी बात है। वहां जब चाहूं लोगों के साथ बातचीत उठना बैठना कर सकता हूं। किताबी ज्ञान और भाषा लालित्य में बंधु बांधवों की बातों और विचारों में रास्ते के कोलाहल में दुनिया की विविधता में मन बहला सकता हूं, किंतु यहां कठोर नियमों में बंधे दूसरे की इच्छा से सब संसर्गों से दूर रहना होगा। सुना था जो अकेलापन सह सकता है वो या तो देवता है या पशु। इंसान के लिए अकेला समय बिताना कठिन है। पहले इस बात में विश्वास नहीं कर पाता था, अब समझा कि सचमुच योगाभ्यस्त साधकों के लिए भी ये संयम सहज नहीं। उस समय नहीं समझ सका था कि भगवान मेरे साथ खेल रहे हैं, खेल खेल में कुछ आवश्यक शिक्षाएं दे रहे हैं। मन की ऐसी अवस्था में कोई भी पागल हो सकता है, उन्होंने ऐसा महसूस करवाकर यूरोपीय जेल प्रणाली का घोर विरोधी बना दिया, जिससे मैं देश दुनिया को इस बर्बरता से अलग उदारवादी जेल प्रणाली का पक्षपाती बनाने की कोशिश करूं। ये थी उनकी पहली शिक्षा। भगवान की दूसरी योजना थी मेरे मन की इस दुर्बलता को हमेशा के लिए नष्ट करना। जो योगावस्था के प्रार्थी हैं उन्हें भीड़ और अकेलापन दोनों एक जैसा लगना चाहिए। वास्तव में बहुत थोड़े ही दिनों में ये दुर्बलता चली गई। अब लगता है कि 20 साल अकेले रहने पर भी मन चंचल नहीं होगा। तीसरी योजना थी मुझे यह शिक्षा देना कि मेरे योगाभ्यास में मेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा। श्रद्धा और संपूर्ण आत्मसमर्पण ही है सिद्धि पाने का रास्ता। भगवान प्रसन्न हो तो स्वयं जो शक्ति सिद्धि या आनंद देंगे उसे ही ग्रहण कर उनके कार्य में लगाना ही मेरी योग इच्छा का एकमात्र उद्देश्य होगा। जिस दिन से अज्ञान का घोर अंधकार छटने लगा उसी दिन से मैं जगत की सब घटनाओं का निरीक्षण करते करते मंगलमय श्रीहरि के आश्चर्यमय अनंत मंगल स्वरूप की उपलब्धि कर रहा हूं। इस तरह मन की इच्छा से पीड़ित हो कुछ दिन कष्ट से समय कटा। एक दिन दोपहर को कुछ सोच रहा था, विचार उमड़ने लगे। अचानक सारे विचार इतने असंतुलित और असंगत होने लगे कि मैं समझ गया कि विचारों पर बुद्धि की अवरोधक शक्ति समाप्त हो चुकी है। उसके बाद जब शांत हुआ तो देखा कि बुद्धि की अवरोधक शक्ति समाप्त होने पर भी स्वयं बुद्धि लुप्त या पल भर को भी भ्रष्ट नहीं हुई, बल्कि शांत भाव से मन के इस अद्भुत कार्य का जैसे निरीक्षण कर रही थी। किंतु तब मैं पागलपन के भय से भयभीत हो इस ओर ध्यान नहीं दे पाया। हृदय से भगवान को पुकारा, अपने बुद्धि भ्रंश के निवारण के लिए कहा। उसी क्षण मेरे अंतरात्मा में अचानक ऐसी शीतलता छाने लगी
उत्साहित मन ऐसा प्रेममय, प्रसन्न और परम सुखी हो उठा कि जीवन में पहले कभी इतनी सुखमय अवस्था का अनुभव नहीं कर सका था। जैसे शिशु मां की गोद में आश्वस्त और निर्भीक हो सोया रहता है, मैं भी मानो विश्व जननी की गोद में उसी तरह सोया रहा। इसी दिन से मेरा कारावास का कष्ट समाप्त हो गया। उसके बाद जब पुस्तकें आईं, तो उनकी आवश्यकता बहुत कम रह गई थी। पुस्तकें ना आने पर भी अब मैं रह सकता था। अक्सर पुलिस तरह तरह के सबूत गवाह लाकर तमाशा करती। हम सबको शिनाख्त के लिए लंबी कतार में खड़ा किया जाता। गिरफ्तारी के बाद पहली बार शिनाख्त की ऐसी एक परेड में मैं अपने भाई बारिंद्र को देख पाया, किंतु तब उसके साथ कोई बातचीत नहीं हुई। जिस दिन से मुझे सवेरे शाम डिक्री के आगे खुली जगह में घूमने की अनुमति मिली, मेरे स्वाधीन राज्य की दो सीमाएं बन गईं। एक ओर जेल का कारखाना, दूसरी ओर गौशाला। इन दो सीमाओं के बीच घूमते घूमते या तो उपनिषद के भावपूर्ण अक्षय शक्तिदायक मंत्रों को दोहराया करता, या फिर कैदियों का क्रियाकलाप और गतिविधि देख सर्व घट में नारायण है इस मूल सत्य को जानने की कोशिश करता। वृक्ष, गृह, प्राचीर, मनुष्य, पशु पक्षी, धातु मिट्टी, यानी सर्व भूतों में सर्वम खलविदम ब्रह्म मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर इस उपलब्धि को स्थापित करता। ये करते करते ऐसा भाव हो जाता कि कारागार अब कारागार जैसा ना लगता। वो उच्च प्राचीर, वो लौह कपाट, वो सफेद दीवार, वो सूर्य की किरणें, सुंदर वृक्ष, वो छोटा मोटा सामान मानो अब अचेतन नहीं रहा, सजीव हो उठा। ऐसा लगता कि वे मुझसे स्नेह करते हैं, मुझे गले लगाना चाहते हैं। मनुष्य, गौ, चींटी, पंछी चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर है ये सब प्रकृति का खेल। भीतर एक महान निर्मल आत्मा जो सांसारिक माया मोह राग द्वेष आदि से दूर आनंद में मग्न हो विराजमान है। कभी कभी ऐसा अनुभव होता मानो भगवान श्री कृष्ण उस वृक्ष के नीचे खड़े आनंद की वंशी बजा रहे हैं, और उस माधुर्य से मेरा हृदय मोहे ले रहे हैं। कभी ऐसा लगता वो मुझे अपना बाल सखा समझ मेरे संग लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। कभी उनके मनभावन रूप का दर्शन प्राप्त होने का भाव मन में आता, तो कभी ऐसा लगता जैसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण मुझे अपनी बाहों में भर ले रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का साक्षात दिव्य दर्शन प्राप्त होना उनके प्रति भक्ति भाव का परिणाम है, या मेरे प्रति उनकी विशेष अनुकंपा, ये मेरी समझ से परे है। जो भी है, इस भाव के उदय होने से अंतरात्मा में एक निर्मल प्रबल शांति विराजने लगी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्राणों का कठिन आवरण खुल गया और सभी जीवों पर प्रेम उमड़ पड़ा। प्रेम के साथ दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि सात्विक भाव मेरे हृदय में पनपने लगे, और जैसे जैसे वे बढ़ने लगे वैसे वैसे आनंद भी बढ़ा और निर्मल शांति भाव गंभीर हुआ।
मुकदमे की चिंता पहले ही दूर हो गई थी, अब उससे उल्टा विचार मन में आने लगा। भगवान मंगलमय हैं, मेरे मंगल के लिए ही मुझे कारागृह में लाए हैं। कारा मुक्ति और अभियोग खंडन अवश्य ही होगा, ये दृढ़ विश्वास जम गया। इसी बीच मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। निर्जन कारागृह में समय काटना जितना सहज और सुखकर लगने लगा, उतना इस मुकदमे के जीवन मरण वाले खेल के बीच समय काटना आसान नहीं रहा। अदालत का समय केवल उबाऊ ही महसूस होता था। 4:30 बजे कैदियों की गाड़ी में बैठ खुशी खुशी जेल लौट आता। हम अदालत में किताब रोटी चीनी जो इच्छा हो बेहिचक ले जाते, पहले पहल छिपाकर, बाद में खुलेआम। मुकदमे का स्वरूप कुछ विचित्र था। मजिस्ट्रेट, सलाहकार, गवाह, सबूत, कैदी सभी कमाल के थे। हर बार उन्हीं गवाहों और सबूतों को पेश करना, वही सलाहकार का नाटकीय अभिनय, वही मजिस्ट्रेट की बच्चों जैसी चंचलता, वही कैदियों का निराला स्वभाव देख लगता था कि हम ब्रिटिश न्यायालय में नहीं, किसी काल्पनिक लोक में बैठे हैं। इधर कारागार में हर कोई नरेंद्रनाथ गोस्वामी की साजिश जान चुका था कि वो हम जैसे अभियोगियों के खिलाफ झूठी गवाही तैयार करने में पुलिस की मदद कर रहा है, मगर गोस्वामी यानी गोसाई ये समझ रहे थे कि किसी को कुछ नहीं पता। किंतु कुछ दिन बाद ये हुक्म हुआ कि अब हमें और निर्जन कारावास में न रख, एक साथ रखा जाएगा। तब उस नए इंतजाम से परस्पर मेलजोल के बीच एक दिन दो एक लड़कों के साथ गोसाई का झगड़ा हुआ। फिर गोसाई समझ गए कि उनकी साजिश का सबको पता चल चुका है। साथ ही पुलिस ने गोसाई को सबके बीच में रख षड्यंत्र की गुप्त बातें निकलवाने के लिए ये उपाय किया है। एक साथ रहने से सभी खुश हुए, पर मैं नहीं, क्योंकि उस समय मैं लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता था। तब मेरी साधना खूब जोरों से चल रही थी। समता, निष्कामता और शांति का कुछ कुछ स्वाद पाया था, किंतु तब तक ये भाव दृढ़ नहीं हुआ था। लोगों के साथ मिलने से दूसरों की सोच विचार का असर मेरे अपरिपक्व चिंतन पर पड़ते ही इस नए भाव का नाश हो सकता था, और ऐसा ही हुआ। उस समय नहीं जानता था कि मेरी साधना की पूर्णता के लिए विपरीत भाव आना आवश्यक है। इसीलिए अंतर्यामी ने मुझे मेरी प्रिय निर्जनता से वंचित कर असाधारण रजोगुण के बहाव में बहा दिया। ये नया स्थान एक बड़ा कमरा था जो एक बड़े बरामदे में खुलता था। मैं उस कमरे के एक कोने में रहा करता था। मेरे भाई बारीन की तरह वे सभी जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षण का अनुभव किया था मेरे चारों ओर आ जुटे। कुछ ने बीच में अपना आसन जमाया, जिसकी बागडोर संभाली उपेंद्र ने, और दूसरी ओर नास्तिकों और तर्क बुद्धिजीवियों की टोली थी, जिसके कर्ता धर्ता थे हेमचंद्र दास। इन्हीं दिनों एक ओर बारीन अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाने लगे, मगर मैंने इस योजना में शामिल होने से साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मैं तो न्यायालय में उपस्थित होऊंगा। दूसरी ओर कनाईलाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस की अगुवाई में कैदियों का एक और दल गद्दार नरेंद्रनाथ गोस्वामी को जान से मारने की योजना में जुटे थे, जिसकी भनक शायद पुलिस को भी ना थी। फिर भी जेल प्रशासन ने अपने मुखबिर नरेंद्रनाथ गोस्वामी की सुरक्षा की दृष्टि से उसे यूरोपियन कैदियों के लिए आरक्षित विभाग में स्थानांतरित कर दिया था।
इस बीच सत्येंद्रनाथ बोस और कनाईलाल अलग अलग बीमारी के बहाने अस्पताल में भर्ती हो गए। किसी तरह सत्येंद्रनाथ बोस ने नरेंद्रनाथ गोस्वामी से संपर्क साधा और उससे कहा कि बीमारी के कारण जेल जीवन उसके लिए असहनीय हो उठा है। यहां घुट घुट कर मरने से पहले वो उसे सारी गुप्त जानकारी देना चाहता है। गोस्वामी को इनसे मिलने जुलने की स्वीकृति मिल गई और पहली दो मुलाकातों में ही सत्येंद्रनाथ बोस और कनाईलाल सहित उसके सहयोगियों ने गोस्वामी को अपने विश्वास में ले लिया और इस तरह गोस्वामी ने षड्यंत्र से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने की आस में तीसरी बार इनसे मिलना स्वीकार कर लिया। इकतीस अगस्त को वो हमेशा की तरह अपने अंग्रेज अंगरक्षक के साथ अस्पताल में पहुंचा। सत्येंद्रनाथ बोस चुपचाप उसे गुप्त जानकारी बताने के बहाने एक ओर ले गए। कनाईलाल ने भी वहां तक पहुंचने में देर नहीं की। अचानक से दोनों ने रिवाल्वर निकालकर गोस्वामी को मारने की कोशिश की। गोस्वामी और उसके अंगरक्षक घायल अवस्था में कुछ दूर तक भागने में सफल हुए। इधर सत्येंद्रनाथ और कनाईलाल जेल की सीढ़ियों और गैलरियों से गोलियां बरसाते हुए उनके पीछे पीछे भागे। अंत में एक गोली गोसाई की पीठ में जा लगी। वो नाली में लुढ़क गया। खतरे की घंटी बजने लगी। उसी समय पागलों की भांति भागता हुआ एक कैदी चिल्लाने लगा, मर गया, नरेन गोसाई मर गया। इस प्रकार अभियोग लगाने वालों को अपने मुखबिर से हाथ धोना पड़ा। फिर भी हमारे सिर पर कई बड़े बड़े आरोप लगे थे जिसे बेबुनियाद साबित करना आसान नहीं था। जज चार्ल्स ऑर्टन बीचक्राफ्ट मुझे बहुत पहले से जानते थे। एक ही काल में हम दोनों ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में भी दोनों साथ साथ गए थे। मुझसे आखिरी बार मुलाकात हुए बरसों बीत गए थे। अब दोनों का आमना सामना हुआ भी तो एक अदालत की कुर्सी पर तो दूसरा कटघरे में। साथ ही महाशय चितरंजन दास, जो नामी वकील और देशभक्त होने के साथ साथ मेरे पुराने मित्र थे, मेरे बचाव में आए। अब तो जैसे मुकदमे की सारी धारा ही बदल गई। सरकारी अभियोक्ता द्वारा जुटाए गए सभी प्रमाणों को परखा गया। झूठे आरोपों के सभी तर्कों का खंडन किया गया। सरकारी वकील नॉर्टन साहब के काल्पनिक ढांचे ढह गए। यदि नॉर्टन साहब के हाथ कानून से बंधे नहीं होते तो उनकी जेब में पड़ा पिस्तौल हमारी जान तक ले लेती। पता नहीं भरी अदालत में पिस्तौल लेकर आना उनकी आत्मसुरक्षा के लिए आवश्यक था या कुछ और, ये तो हमें पता नहीं। मगर झूठ को सच बनाने का उनका जो तर्क वितर्क का खजाना था वो अब खाली हो चुका था, क्योंकि अदालत में अब केवल चितरंजन दास की आवाज ही गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो चितरंजन दास के शब्दों में दैवीय शक्ति समाहित हो और उसी के माध्यम से मेरे निर्दोष होने के कई तर्क प्रस्तुत किए जा रहे थे। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल श्री अरविंद घोष के राजनीतिक विचारों में उनके दार्शनिक विश्वास के संस्कार हैं। वेदांत जिस आदर्श को व्यक्ति के लिए प्रस्तुत करता है, ये उन्हीं आदर्शों को भारतवासियों के सामने रखते रहे हैं। निश्चय ही इस वाद विवाद के खत्म हो जाने के बाद इन्हें देशभक्ति के कवि, राष्ट्रीयता के मसीहा और मानवता के प्रेमी के रूप में याद किया जाएगा। मिलॉर्ड, इनके देहांत के बाद भी इनके शब्द केवल भारत में ही नहीं बल्कि समुद्र पार देश देशांतरों में भी गुंजित और प्रतिगुंजित होते रहेंगे। माय लॉर्ड, मेरा दावा है कि इस स्थिति का मनुष्य केवल आपकी अदालत के सामने नहीं, विश्व इतिहास की अदालत के सामने खड़ा है।
With deepest concern, I want to highlight the fact. काफी गंभीरता से मैंने अभियुक्त अरविंद घोष के लेखों, इनके भाषणों, इनके पत्र व्यवहार इत्यादि को पढ़ा, उनका विश्लेषण किया, जिनका उपयोग इन पर आरोप साबित करने के लिए किया गया है। लेकिन ये सभी कुछ उसी उच्च आदर्श से प्रभावित हैं जिनका उद्देश्य भारत के पुनर्जन्म के सिवाय और कुछ न था। इसके अलावा बाकी बचे तथ्य इस बात को बिल्कुल ही नहीं प्रमाणित कर पा रहे हैं कि अभियुक्त उस षड्यंत्र में शामिल था। इसलिए ये न्याय संगत न होगा कि इतने बड़े आरोप के लिए मिस्टर अरविंद घोष को मैं दोषी सिद्ध कर दूं। इसलिए अदालत अरविंद घोष को बाइज्जत बरी करती है। कारावास जीवन के पूरे एक वर्ष बाद मैं हमेशा के लिए बाहर निकला। अब मुझे एक अलग तरह की क्रांति में जुटना था। ये थी आध्यात्मिक क्रांति, जिसमें न केवल भारत के लक्ष्य की बल्कि पृथ्वी के भविष्य की बाजी लगी थी।